एक सेकंड सर, स्टूडेंट्स आपकी क्लास है ना 7 PM तक होगा सर, को कुछ वर्क है तो इसलिए 7 PM खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस सर। ओके ओके चलिए, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। ओके सो आई थिंक अभी तक आपकी एक ही क्लास हुई ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की? यस सर, एक ही हुई है। ठीक है ठीक है, ओके सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक आपको मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी दिया था। यस सर। चलिए ये इस क्वेश्चन से आज के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ ए ब्लॉक बी मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन 3 m/s², फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। किस किस का, किस किस ने इसका आंसर निकाल लिया है? कोई बच्चा जिसने इसका आंसर निकाल लिया है? किसी ने निकाला अब तक? अनु आपका आंसर आ गया क्या इसका? नो सर। ओके ठीक है, बाकी बच्चे किसी ने कहां से निकाला होगा? याद है आपको मैंने दो ट्रिक्स सिखाई थी? पहली कौन सी ट्रिक थी? ठीक से क्लियर नहीं हुआ मुझको। अच्छा टॉपिक ठीक से क्लियर नहीं हुआ, कोई नहीं ठीक है अभी करवा देते हैं। और बाकी किसी ने निकाला इसका आंसर? ओके तो बच्चों आपको याद है मैंने आपको दो ट्रिक बताई थी, एक आपको ट्रिक थी अपनी टेंशन ट्रिक, टेंशन ट्रिक। सेकेंड वाली ट्रिक थी अपनी, पहली ट्रिक थी अपनी टेंशन ट्रिक, टेंशन। सेकेंड अपनी ट्रिक थी पुली ट्रिक, पुली। चलो कौन इसको सॉल्व करता हूं। चलिए रघु बच्चों अगर आपको याद हो तो अपनी जो टेंशन ट्रिक थी मैं यहां पे लिख देता हूं, टेंशन ट्रिक, उसमें क्या होता था, समेशन ऑफ टी डॉट एक्स विल बी इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ टी डॉट वी विल आल्सो इक्वल टू जीरो। याद है सबको इसका मतलब क्या है? दैट इज वर्क डन बाय टेंशन विल बी जीरो, सिमिलरली summation of t dot a will be equal to zero। ठीक है बच्चों, मान लो देखो क्या हमें निकालनी है, हमें acceleration निकालनी है किसकी, a block की। ठीक है मान लो इसकी जो acceleration है वो मान लो a a है, क्या है a। ठीक है अब देखो बच्चों अगर हम block b की बात करें तो इस पे acceleration, sorry इस पे जो tension ऐसे लग रही होगी और पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी बच्चों, सेम होने वाली है। ठीक है अब देखो अगर मान लो इसमें टेंशन टी है और मान लो इसमें टेंशन टी वन है, इसमें टेंशन टी वन है तो हम यहां से लिख सकते हैं ना कि टी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी वन, लिख सकते हैं। देखो मैं इसके लिए बोल रहा हूं बच्चों कि ये जो है आप अगर ध्यान दोगे तो जो t है किसकी इक्वल आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ t1 इक्वल आ जाएगी। यस सर। ठीक है अब लगाते हैं टेंशन ट्रिक, क्या हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे लास्ट वाला, ये वाला फॉर्मूला। देखो बच्चों देखो इस केस की बात कर रहा हूं मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो b है b की एक्सेलरेशन नीचे है टेंशन ऊपर लग रही है, तो बच्चों टेंशन इधर है और एक्सेलरेशन इधर है तो बच्चों ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री तो हम लिख सकते हैं ना टी इंटू थ्री इंटू कॉस 180 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस इसकी बात करते हैं यहां पे टेंशन क्या लग रही है टी वन और अगर ए की एक्सेलेरेशन क्या है, ए है तो बच्चों अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो एक्सेलेरेशन भी इधर ही है और टेंशन टी वन भी इधर ही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना T1 into A cos of
जीरो डिग्री लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं ना बच्चों? यस सर। ठीक है, तो बच्चों ये क्या जाएगा, माइनस थ्री टी प्लस टी वन इंटू ए इज इक्वल टू जीरो ये आ जाएगा। एंड बच्चों t की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ t1, तो डाल दो यहाँ पे माइनस थ्री इंटू ट्वाइस ऑफ t1 प्लस t1 इंटू ए विच इज इक्वल टू जीरो। अब t1 कॉमन ले लेंगे हम, तो फाइनली अपना आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर इज a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपना आंसर। सो आंसर इज c। किस किस को समझ आ गया ये? सर इसमें हमारे पास कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, मतलब जिसे यूज करके मतलब फॉर्मूला लगाए और हमारा आंसर आ जाए। अच्छा फॉर्मूला ये तो आपको बताना ना, फॉर्मूले जो है इस पे, ये टेंशन ट्रिक ये तो है, ये फॉर्मूला ही तो है ये वाला। समझ रहे हो, ये अपने फॉर्मूला है, एक तो ये टेंशन ट्रिक है। ठीक है, चलो आपको मैं एक तरीका और कराता हूँ। देखो बच्चों, अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, आप मैं नेक्स्ट पेज बना देता हूँ। देखो अगर मान लो, एक मिनट, देखो ये अपनी पुली है, ये कनेक्टेड है इससे ऐसे, ये कनेक्टेड है ए ब्लॉक से, ठीक है, एक पुली यहां पे है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है बच्चों। अब देखो, और ये कनेक्टेड यहां पे ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? देखो बच्चों, ये अपना ब्लॉक बी है, ये अपना ए है। अगर मान लो ये जो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, ठीक है, तो बच्चों इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब के सब बच्चों किससे जाएंगे, ये भी आगे कितने से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है ये भी। क्योंकि देखो बच्चों, इस स्ट्रिंग पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके एक्सेलेरेशन सेम होने वाली है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, टाइट है। ठीक है बच्चों, मान लो ये जो अपना ब्लॉक है ये अपना ए एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है, अगर ये एक्सेलेरेशन ए से आगे जा रहा है तो हम बोल सकते हैं ये जो पॉइंट है ये भी ए एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा है। मैं ये आपको करा रहा हूं किससे, पुली ट्रिक मेथड से करा रहा हूं, पुली ट्रिक। तो बच्चों ये एक्सेलेरेशन ए से आगे जा रहा है। अब बच्चों ये देखो, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है और ये क्या है, ये फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड है बच्चों, देयरफॉर इसकी एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो। तो ये जो पॉइंट है इसकी एक्सेलेरेशन क्या है बच्चों, जीरो है। नाउ पुली ट्रिक क्या बोलती है, ए नॉट यानी कि एक्सेलेरेशन ऑफ पुली विल बी इक्वल टू ए वन प्लस ए टू डिवाइड बाय टू। तो बच्चों देखो, अगर इसकी एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ ए है, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बच्चों सारे के सारे पॉइंट इसी से जा रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये जो है एक्सेलेरेशन ऑफ पुली ये भी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे डाल वैल्यू, 3 इज इक्वल टू, मान लो ये A1 है, A1 क्या है, मान लो A है, A प्लस A2 क्या है, 0 है, डिवाइड बाय टू विच इज इक्वल टू A = 6 meter per second square। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, यहाँ कंफ्यूजन होती है कि सर ये जीरो क्यों है। बच्चों ये पॉइंट इसलिए जीरो है क्योंकि ये कनेक्टेड किससे है, इससे कनेक्टेड है और ये फिक्स है। अगर ये वाला जो थ्रेड, ये जो मान लो अपना जो स्ट्रिंग का जो पार्ट है, अगर ये रेस्ट पे है तो बच्चों ये पूरी स्ट्रिंग रेस्ट पे ही है। ये किस किस को समझ आ गया? Yes, sir.
सर ये आ गया था किसी को कोई क्वेश्चन, सर एक बार वो क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए एक बार। कौन से वाला क्वेश्चन? यही क्वेश्चन ना? नहीं सर दूसरा जो आपने पहले समझाया सर, ये वाला सेकंड मेथड पे समझाया था सर। बच्चा क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन सेम है ये, बस उसका मेथड दूसरा। ये वाला देखो टेंशन ट्रिक में क्या होता है बच्चों, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ओके। तो पहली हमारी ये आ गई थी ये, फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा वेलोसिटी, तो ये भी जीरो आएगा, समेशन ये भी जीरो आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बस इसके इसमें देखो क्या है, टेंशन ऊपर की तरफ है लेकिन जा नीचे की तरफ रहा है। बच्चों किसी को टेंशन के डायरेक्शन में तो कंफ्यूजन नहीं है ना? नो सर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, देखो मान लो ये कोई मास है m, ठीक है नीचे की तरफ। बच्चों अब ध्यान से सुनना, अगर आप m की बात कर रहे हो, अगर आप m की बात कर रहे हो तो बच्चों m पे टेंशन लग रही है ऐसे ऊपर की तरफ। अगर आप सीलिंग की बात करोगे तो सीलिंग पे टेंशन लग रही है नीचे की तरफ। मैं आपको पहले बताया था कि टेंशन के डायरेक्शन हमेशा ऐसे होती है ताकि वो स्ट्रिंग की लेंथ कम करने की कोशिश करता है, स्ट्रिंग की लेंथ कम करने की क्या करता है कोशिश करता है। किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे? नो सर। ठीक है अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना। हाँ बेटा बोलो। जो आपने पहले क्वेश्चन दिखा दिया था ना वो मैंने सॉल्व करा था, उसमें पहले मतलब टाइम निकाल के फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी, बट उसका आंसर नहीं आ रहा। चलो कोई ना उस पे हम डिस्कस कर लेंगे बेटा, कोई ना ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इस ब्लॉक के, अगर जब हम ब्लॉक की बात करें तो टेंशन ऊपर की तरफ है, अगर आप पुली की बात करोगे तो टेंशन नीचे की तरफ है, ठीक है। चलो आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। तो एक क्वेश्चन ये, क्वेश्चन क्या है, इफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज 2 meter per second upward, then find velocity of block B. You have to find velocity of block B. ठीक है? चलिए वाला क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो कि वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, वो नीचे की तरफ है, बी हमने मान ली, तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, हिंट देखो क्या बच्चों, देखो क्या करो, पहले ना एक काम करो, ओके कुछ बच्चों आंसर आ भी गया, अरे वाह बहुत ही अच्छे, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है। अब आंसर सही है गलत तो वाद की बात है, ठीक है। बच्चों देखो क्या करना, मान लो इस पे टेंशन टी है, अगर आप ब्लॉक के लिए देख रहे हो तो ऊपर की तरफ है, पुली के लिए देखो तो नीचे की तरफ है, ठीक है। बच्चों देखो इस पूरे थ्रेड में टेंशन टी है, पूरे थ्रेड में टेंशन क्या टी है, तो ऊपर की तरफ टेंशन कितनी हो जाएगी 2t। अब इस पूरे थ्रेड में क्या है टेंशन 2t है, 2t 2t। अब देखो ये टेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, 4t के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस पूरे थ्रेड में टेंशन क्या हो जाएगी 40 तो अब इस थ्रेड में कितनी हो जाएगी 80। अगर इस थ्रेड में 80 टेंशन बचो तो पूरे थ्रेड में टेंशन क्या होगी 80, ठीक है। अब लगा दो यहाँ पे टेंशन ट्रिक, यहाँ पे आप लगाओगे टेंशन ट्रिक, क्या क्या देखो, ये देखो कितना हो गया 80। देखो अभी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखना जो टेंशन है ब्लॉक ए के लिए वो ऊपर की तरफ है, तो बच्चों 80 ऊपर की तरफ, 2 meter per second वो भी ऊपर की तरफ, तो क्या आ जाएगा cos 0 जाएगा। तो लिखो 80 into 2 into cos 0 degree plus, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ देखो यहाँ पे v हमने नीचे माना है, v नीचे टेंशन ऊपर है, तो लिखो यहाँ पे
वी नीचे मानो है टेंशन ऊपर, ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो लिखो यहाँ पे कितना हो गया टी इंटू वी इंटू कॉस 180 डिग्री विच इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आ गया देखो 16 टी कॉमन आ जाएगा, माइनस 16 प्लस वी इज इक्वल टू जीरो, तो वी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 16 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आएगा अपना सी, आंसर इज सी। सर ऊपर की तरफ अपवर्ड जा रहा है तो कॉस जीरो लेंगे कि जीरो डिग्री? बच्चों देखो कॉस जीरो कैसे लेना, आप सोचो ना, आप सोचो। तो भाई हमने क्या किया, हमने जो ब्लॉक बी है उसकी हमने वेलोसिटी नीचे मान ली, लेकिन टेंशन बच्चों देखो टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी हमने नीचे मानी है, एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। समझो वो जो 80 जो ऊपर देखो ब्लॉक ए वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उस पर टेंशन भी ऊपर की तरफ लग रही है, तो 80 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड इंटू कॉस 0 डिग्री। किसी को एंगल में कंफ्यूजन तो नहीं रहना बच्चों? No, sir. किसी को एंगल में कंफ्यूजन? No, sir. चलिए ये हमने किया टेंशन ट्रिक से, चलो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं पुली ट्रिक से करते हैं, ठीक है? किससे करते हैं? पुली ट्रिक से। देखो बच्चों सबको समझ तो आ रहा ना, ऐसा तो नहीं कि मैं फास्ट जा रहा हूँ थोड़ा? No, sir. कोई ऐसा बता जिसको समझ नहीं आ रहा हो कि हाँ सर क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा तो कोई नहीं है ना? देखो No, sir. एक ये पुली है, एक ये पुली है, एक ये पुली है और एक ये पुली है, ठीक है? अब देखो ये कनेक्टेड इससे है, ये कनेक्टेड इससे है और ये कनेक्टेड इससे है, यहां पे एक मास कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है और ये ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे है ना? हाँ देखो और ये क्या अपना नीचे अपना ब्लॉक बी है, ठीक है? ये अपना धारा कितने से बी से, ठीक है? ये हमने बी पे मान रखा, ये बी से धारा है और ये अपना 2 मीटर पर सेकेंड, ये अपना ब्लॉक ए है, ये धारा अपना 2 मीटर पर सेकेंड और ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है? तो आप ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल आपको सिंपल तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, मैं आप ध्यान से सुनते रहना, ठीक है? ये बच्चों का ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है? बच्चों अब ध्यान से सुनना, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो बच्चों जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे जितने भी पॉइंट है बच्चों सबकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सबकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड बच्चों, तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा होगा। अब इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब क्या, ये जो पुली है, ये जो पुली है बच्चों, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, मानते हो? ठीक है बच्चों, देखो ये किससे कनेक्टेड है, ये जो पॉइंट है ये तो इससे कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 और ये मान लो कितनी है v1 है नीचे की तरफ v1, तो हम लिख सकते हैं ना 2 = 0 + v1/2, तो v1 कितना आ गया v1 = 4 मीटर पर सेकेंड। और देखो बच्चों v1 नीचे की तरफ आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, तो उसका मतलब क्या है, ये जो पुली है ये नीचे आ रही है कितने से 4 मीटर पर सेकेंड, ये तो अभी भी किससे जुड़ा हुआ है, ये तो फिक्स है ना, फिक्स से जुड़ा हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी 0। ये मान लो बच्चों v2 है, v2 तो लिखो यहाँ पे कितना हो गया, इस बार कितना है 4 = 0 + v2
डिवाइड बाय टू, कितना आ गया ये, वी टू इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या बच्चों, वी टू अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो पुली भी कितने से नीचे आ रही है, 8 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों देखो अगेन किससे कनेक्टेड है, जीरो से, भाई फिक्स से कनेक्टेड है वाला पार्ट, तो उसकी वेलोसिटी कितनी, जीरो है। ये मान लो वी है, जो कि वी हमने मान रखी है। अब इस बार कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू 0 प्लस v डिवाइड बाय 2। तो बच्चों v की वैल्यू कितनी आ गई, क्या आ गई, 16 मीटर पर सेकेंड। किस किस को ये वाला तरीका समझ आ गया सर, ये तो इजी मेथड है उससे। हाँ बच्चों डिपेंड करता है, हम ऐसा नहीं कर सकते कौन सा इजी कौन सा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये सर, ये मुझे ज्यादा ही लगे। हाँ ये जो आपने पुली मतलब उससे पहले टेंशन वाला बताया उसमें कॉस जीरो कैसे आया वो समझ में नहीं आया, ये तो फिर भी समझ आ गया। बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं देखो, बहुत बच्चे गलती पता क्या करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं कि अच्छा ये 2 मीटर पर सेकंड है, तो वो इसको 2 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, इस पॉइंट को, इसको 2 मीटर पर सेकंड मांग लेते हैं। ये है पुली की वैल्यू, पुली की वेलोसिटी है, बट वो उसको मान लेते हैं कि इस पॉइंट की वैल्यू कितनी, 2 मीटर पर सेकंड है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आसान लगने लग जाएंगे, ठीक है। तो सर हम इसी मेथड से करेंगे, गलत तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं गलत नहीं जाएगा बच्चों, देखो दोनों मेथड के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप देखोगे, देखो ये जो मेथड था, यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पुली ट्रिक से कितना सिंपल सा हो गया था। देखो पुली ट्रिक में क्या, सिर्फ एक स्टेप था, बट आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। देखो यहाँ पे पुली ट्रिक में क्या था, बस एक ही स्टेप था, ये वाला ए नॉट इज इक्वल टू ए वन प्लस टू डिवाइड बाई टू। ए नॉट की वैल्यू कितनी, 3। क्यों, क्योंकि ये देखो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन का, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो बच्चों क्या, एज शोन दिस रोड लोअर एंड ए इज पुल्ड टुवर्ड्स लेफ्ट विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द अदर एंड बी डाउनवर्ड व्हेन रोड मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी, ठीक है। बच्चों देखो क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो जो नीचे वाला जो एंड है, जो नीचे वाला जो ए पॉइंट है, अगर उसकी वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी मान लो बच्चों कितनी वी है, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट आएगा, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ अदर पॉइंट बी डाउनवर्ड, ठीक है, व्हेन एंगल मेड बाय द रोड इज थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, जो आपको दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता ना, हमें एक ऐसी वेलोसिटी निकालनी है जो कि अलोंग द रॉड क्या हो, सेम, अलोंग द रॉड क्या हो, सेम। तो इसमें मान लो अगर पॉइंट बी की अगर वेलोसिटी वी वन है डाउनवर्ड के साथ में, तो आप क्या करो, दोनों वेलोसिटी को अलोंग द रॉड क्या कर लो, रिजोल्व कर लो, और दोनों कॉम्पोनेंट एक होना जरूरी है। कहने का मतलब क्या बच्चों, आपको बता देता हूँ, देखो आपको एक बार थोड़ा समझा देता हूँ इसका मीनिंग क्या है। बच्चों देखो एक सेकेंड, अगर हम रोड की बात करें, देखो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये मान लो कि इधर चला कितना, ये चला एक्स से, ये एक्स से चला है। तो बच्चों ये फिक्स रोड है, ये एक रिजिड रोड है, ये टूटेगी नहीं, ये बेंड नहीं होगी। अगर मान लो पॉइंट ए जो है रॉड के डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस आगे चला, तो बच्चों जो बी है वो भी आगे चलेगा। ये बात किस किस को समझ आ गई? यस सर, समझ रहे हो। तो बच्चों ये ट्रिक है इसकी, अलोंग द रोड वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटीज के कंपोनेंट निकालो अलोंग द रोड और दोनों क्या कर दो, उनको इक्वल कर दो,
ठीक है, चलो ट्राई करो उसको बच्चों। कहीं पे कोई भी डाउट हो ना, बेझिझक होकर पूछ लेना कि सर ये वाली चीज नहीं समझ आई, क्योंकि फिजिक्स बेटा ऐसी चीज है, समझ आए तो बड़ा मजा आता है, अगर समझ ना आए ना तो फिर बाद में बड़ी दिक्कत होती है। और फिजिक्स के बच्चों सारे कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं काफी सारे कॉन्सेप्ट। तो ये मत सोचना कि हाँ ये वाला समझ नहीं है, कोई बात नहीं मैं नेक्स्ट टॉपिक बाद में समझ लूंगा, ऐसे मत सोचना बस। आई होप ये वाले जो मैंने आपको बताई चीज आपको सबको समझ आ गई कि बच्चों अलोंग द रोड जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ द पॉइंट ए एंड बी मस्ट बी इक्वल। अगर डिस्टेंस इक्वल होंगे तो बच्चों जो दोनों पॉइंट के वेलोसिटी अलोंग द रोड वो भी इक्वल होगी। चलो मैं ये वाला सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। कुछ बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, ठीक है, किसी का बी है, किसी का सी है, किसी का ए है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखो देखो बच्चों कैसे करना है। अगर मान लो एंगल थीटा है तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि ये जो एंगल है ये भी क्या है, थीटा है। अगर बच्चों ये थीटा एंगल है तो ये एंगल कितना अपना 90 डिग्री माइनस थीटा है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखो वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग द रोड कितनी हो जाएगी, बी वन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा विच मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए अलोंग द रोड कितनी हो जाएगी, वी कॉस ऑफ थीटा। तो बच्चों यहां से वी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v cos theta divided by cos 90 degree minus theta जो कि क्या होता है sin होता है। तो बच्चों v1 की वैल्यू कितनी आएगी, v cos theta, v cos, आंसर इज v। किस किस को समझ आ गया ये? यस साक्षी के अलावा किस किस को समझ आ गया? ये सर आ गया। चलिए ठीक है समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात, आगे चलिए फिर। सर दोबारा बता दो एक बार। देखो बच्चों सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। देखो मान लो देखो ये पेन है, ठीक है, ये मतलब ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे नीचे ऐसे गिर रही है ये जो है, सॉरी देखो ये मान लो ऐसे है, ठीक है, ऐसे पेन है ये, ठीक है, ये ऐसे गिर रहा है भाई, ये आगे चलेगा तो नीचे गिरेगा ना, ये समझ लो। तो बच्चों ये जितने पॉइंट्स भी हैं इस पेन पे उन सबकी वेलोसिटी इस पेन के अलोंग तो क्या होगी, सेम होगी ना। अगर मान लो ऐसे नीचे गिर भी रहे, ये ऐसे मान लो गिर भी रहे तो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट पेन के अलोंग भी तो है। अगर मान लो ये जो पॉइंट है ये अगर x डिस्टेंस आगे गया तो इसको भी तो x नीचे आना पड़ेगा ना, इसके अलोंग पेन के अलोंग। yes, तो हमने क्या किया, बस जो भी वेलोसिटी आपने मानी है उन वेलोसिटी के कंपोनेंट अलोंग द रॉड क्या कर दो, इक्वल कर दो बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सूडो फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है सूडो फोर्स। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन बच्चों? नो सर। चलिए बच्चों देखो एक छोटा सा एक आपको बताता हूँ, एक छोटा सा सीन क्या है। सीन देखो ये है कि एक इंसान खड़ा है एक गाड़ी के अंदर और इसकी एक्सेलरेशन ए है, ये अपना बी है, नीचे एक बंदा खड़ा है ए, ठीक है। तो जब ए ने देखा बी को तो बी आगे एक्सेलरेशन से जा रहा है ए, ठीक है बच्चों, ओके।
लेकिन जब बी ए को देख रहा है, जब बी जो है ए को देख रहा है, इसके दिमाग में ये जब इसने इसको देखा, इसको क्या दिख रहा है भाई, ए को क्या दिखेगा कि जो ए है, ए जो नीचे खड़ा है ये पीछे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। ये बात किस किस को समझ आई? देखो ऐसा है, मान लो तुम ऐसे खड़े हो, तुम्हारे सामने गाड़ी जा रही है, तुम्हारे सामने गाड़ी जा रही है, तुम देखा ओके उस गाड़ी के अंदर बंदा ऐसे खड़ा था बस में, वो भी साथ जा रहा है, और वो तुम्हें पता कि वो जो गाड़ी है उसके एक्सेलरेशन ए है राइट की तरफ, तुमने देखा ओके ऐसे जा रहे हैं। लेकिन अब तुम बस के अंदर चढ़ जाओ, अब तुम बस के अंदर चढ़ गए, वो जो बंदा अंदर खड़ा था उसको बाहर खड़ा कर दो, अब तुम उसको देख रहे हो, तुम बस के अंदर जा रहे हो आगे की तरफ, तुम उसको देख रहे हो, तुम्हें क्या दिखेगा वो, कि भाई वो जो बंदा है वो ए एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है, ये दिखेगा ना तुम्हें तो। यस सर, आया समझ में? लेकिन एक्चुअली एक्चुअली बच्चों ए पे तो कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, ए पे तो कोई एक्सेलरेशन लग, सॉरी ए पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। जब ए पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो बच्चों ए की कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, लेकिन वो जो बंदा बस के अंदर खड़ा है उसको तो यही दिख रहा ना कि ए पीछे की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। अब वो क्यों दिख रहा बच्चों, क्योंकि ये किस पे है, एक्सेलेटेड फ्रेम, एक्सेलेटेड फ्रेम। तो बच्चों नाउ ऑनवर्ड्स जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे किसी एक्सेलेटेड फ्रेम से, मैं लिख देता हूं उसके ब्रैकेट में, एक्सेलेटेड फ्रेम मींस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबको बताना नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता है? सर बता दो। नहीं बच्चों आपको बताया ना मैंने, चलो बच्चों इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम मींस एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है, एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस मींस एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। तो बच्चों आगे से जब भी आप किसी सुनो ध्यान से सुनो, आगे से जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को किसी एक्सेलेटेड फ्रेम या फिर नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा पीछे की तरफ। मतलब क्या, जो आप जो उस जो फ्रेम का जो एक्सेलेरेशन है उसके अपोजिट आपको एक फ्रेम एक वो लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर इस बंदे का मास एम था तो उसका कितना हो जाएगा वैल्यू एम ए, आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो का मतलब कहता है नकली, इमेजिनरी। आया समझ में? यस सर, ठीक है। तो आप यहां से आप देख भी सकते हो, तो सूडो फोर्स क्या है, इन ऑर्डर टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। बिकॉज बच्चों जब ये बंदा अंदर से खड़े होकर उस बंदे को देख रहा है, वो उसको क्या लग रहा है कि वो बंदा पीछे जा रहा है, पर एक्चुअली पीछे नहीं जा रहा था वो, ठीक है। तो बच्चों में न्यूटन्स लॉज को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इन ऑर्डर टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम वी नीड टू अप्लाई वन एक्स्ट्रा फोर्स अपार्ट फ्रॉम अदर रियल फोर्सेज। क्या लिखा है उन्होंने, रियल फोर्सेज, दिस फोर्स वी कॉल एज सूडो फोर्स। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, जिस ऑब्जेक्ट पर आप सूडो फोर्स लगाओगे उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एंड उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। आई होप ये क्लियर है। यस सर, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर, पक्का क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे ट्राई। चलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन वेइंग मशीन व्हिच इज प्लेस्ड इन लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउन विद द एक्सेलरेशन ए
फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन. ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. वेइंग मशीन, आई थिंक सबको पता है वेइंग मशीन क्या होती है, जिसपे हम मास को क्या करते हैं, मेजर करते हैं. सबने जो वेट नापने की मशीन होती है, ठीक है बच्चों? Yes, तो यस, वेइंग मशीन देखो क्या होता है बच्चों. सो रीडिंग, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन ये होती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन वेइंग मशीन डिवाइड बाय जी, दैट इज न्यूटन. आपको यूनिट आपको लगा लेना इसमें, ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वेइंग मशीन डिवाइड बाय जी, और इसकी यूनिट क्या आएगी बच्चों? क्या आएगी? के जी. देखो तो एमजी क्या होता है, वेट, वेट क्या होता है, फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटी. क्या बचेगा? सिर्फ मास बचेगा ना, ठीक है? तो बच्चों ये रीडिंग, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या होता है? रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन ऑन वेइंग मशीन डिवाइड बाय जी. यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? यस सर. क्लियर? चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या बच्चों? सो वी हैव टू फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन. ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी. सबसे पहले आपको क्या निकालना है? आपको निकालना सबसे पहले क्या? नॉर्मल रिएक्शन. अब आपको दिखाऊंगा मैं कि हम कैसे यूज करेंगे जो सूडो फोर्स है, हम कैसे यूज करेंगे. ओके, कुछ बच्चों का आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है. चलिए, किसी का आंसर बी है, किसी ने सी आंसर दिया है, किसी का ए. सारे आंसर दे दिए, डी को क्यों छोड़ा फिर? बच्चों डायरेक्टली मुझे सेंड क्या करो, कुछ बच्चे सेंड टू एवरीवन कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट है? चलिए बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब देखो मैं आपको सिखाऊंगा कि सूडो फोर्स अप्लाई करना कैसे होता, ठीक है? देखो बच्चों, मान लो एक मिनट, ये एक ऑब्जर्वर है ए, ये एक ऑब्जर्वर है बी, ठीक है? बच्चों ध्यान से देखना, विद रिस्पेक्ट टू, आई थिंक सबको पता है शॉर्ट फॉर्म WRT मीन्स विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए. बच्चों ध्यान से देखो, आप ऐसे खड़े हो, जब भी बात करो ऑब्जर्वर की तो बच्चों हमेशा ऑब्जर्वर की जगह खुद को खड़ा कर लो. ऑब्जर्वर ए क्या दिख रहा है? कि एक लिफ्ट जो है नीचे आ रही है एक्सलेशन ए से, उस लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन है, उस वेइंग मशीन पे एक मास रखा हुआ, ठीक है? ओके, तो ये किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर ए. चलो ठीक है भाई, ऐसा कुछ है, एक काम करो, विद रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर ए हम क्या करेंगे, मास एम का हम क्या करेंगे, एफ बी डी ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑब्जर्व ए.
देखो बच्चों, एक फोर्स नीचे लग रहा है एम जी, ठीक है, ये नीचे आ रहा है ए एक्सेलेरेशन से, और इस पे जो है एक फोर्स ऊपर भी लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यहां से किस किस को समझ आया? यस सर, ओके। ठीक है, क्यों, अब देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ए है, जो बंदा बाहर खड़ा है उसको तो ये दिख रहा ना कि भाई ऐसे आ रही है लिफ्ट, उसके अंदर मास है, तो बच्चों क्या करेंगे, लिखो इक्वेशन। इक्वेशन क्या हो जाएगी, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बच्चों नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एम जी माइनस टी, क्यों, एम जी के डायरेक्शन नीचे है और एन के डायरेक्शन ऊपर है, एम जी सॉरी नॉट टी, एन एन आएगा, सॉरी एम जी माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहां से एन की वैल्यू कितनी आ गई, एम इंटू जी माइनस ए। ठीक है, तो बच्चों रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या हो जाएगी, एम इंटू जी माइनस ए डिवाइड बाय जी, आंसर विल बी ए। आंसर ये, किस किस को समझ आएगा ये? किस किस को तो समझ आ गया, कोई ऐसा बच्चा इसको कंफ्यूजन है कि सर नहीं मुझे कुछ भी समझ नहीं आपने क्या किया है? आया समझ में? अब देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे सूडो फोर्स की। देखो जो ऑब्जर्वर बी है बच्चों, जो ऑब्जर्वर बी बी है वो एक एक्सेलेटेड फ्रेम में है, मानते हो कि नहीं भाई? एक चीज सोचो, एक को भूल जाओ, एक को मान लो गोरी, एक को गोरी गोली मारो, उसको भूल जाओ। अब आप खड़े हो अंदर लिफ्ट के अंदर, आपके साइड में वेइंग मशीन रखी है और उसी पे हमने मास जो रखा है एम को रखा हुआ है ब्लॉक। अब बताओ आपके रिस्पेक्ट में मास एम तो मूव नहीं कर रहा ना? नो सर। बोलो किस किस की बात समझ आ गई बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी मास एम क्या है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे ना। अब एक काम करो, लगा दो उस पे सूडो फोर्स। एक तो नीचे लग रहा है एम जी, बच्चों विद रिस्पेक्ट टू बी मास एम क्या है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है सर। एक लगा दो उस पे क्या, सूडो फोर्स ऊपर की तरफ एम ए, और एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। तो बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी मास किस पे, रेस्ट पे है। तो आप लिखोगे क्या, एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस एन। तो बच्चों एन की वैल्यू कितनी आ गई, एम कॉमन ले लेंगे हम जी माइनस ए। सो रीडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, वेइंग मशीन इट विल बी एम इनटू जी माइनस ए डिवाइड बाय जी, आंसर इज ए। किस किस को समझ आ गया? सर अगर ये मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए जब हम देख रहे हैं तो ये एक्सेलरेटेड नहीं है मास, तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगी, एम ए वाली फोर्स नहीं लगेगी ना? अगर ये रेस्ट पर है मतलब विद रिस्पेक्ट टू बी ये रेस्ट पर है तो एम ए ऊपर की साइड लगेगी, तो ये प्लस नहीं, फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करो सर। विद रिस्पेक्ट टू ए मास एक्सेलरेटेड है ये, तो सिर्फ ऊपर की साइड नॉर्मल फोर्स लग रही है, वहां पर एम ए वाली फोर्स नहीं लग रही। और विद रिस्पेक्ट टू ए वाले केस में कह रहे हो क्या? यस सर। हाँ तो बच्चों वही मैं कह रहा हूँ ना, ए क्या है, ए ऐसे खड़ा है नीचे की तरफ, वो अपने उस पे खड़ा है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब अर्थ पे खड़ा है, उसके अकॉर्डिंग तो क्या है लिफ्ट नीचे आ रही है बस। और
और जब सर एक्सीलरेटेड होगी तो एमए वाली फोर्स की लगेगी। यस, एक्सीलरेटेड होगी तो बच्चों क्या होगा, वो सूडो फोर्स लग जाएगा, क्योंकि बी क्या है, बी के रिस्पेक्ट में मास क्या है, रेस्ट पे है, समझ रहे हो। देखो बच्चों सूडो फोर्स की केस में हमने क्या किया, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया सूडो फोर्स के रिस्पेक्ट में, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, हमने ये नहीं किया। हमने क्या बोला, ओके इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, रेस्ट लिख देते हैं यहाँ पे, एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, आया समझ में। किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर, आइए समझ में। चलिए आई होप क्लियर होगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, अच्छा ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ए डाउनवर्ड्स व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है। मैं आपको बता देता हूँ उसका हिंट, हिंट कर देता हूँ, हिंट देखो क्या है, जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन किया था ना, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला, ठीक है, सेम ऐसी है बच्चों। देखो यहाँ पे देखो, देखो ऐसे ही, ठीक है, ये अपना ऐसे है, ये क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, ये ऐसे नीचे आ रहा है, तो बच्चों ये जब नीचे आ रहा है तो ये आगे जाएगा ना, ये आगे जाए, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ऐसे, लेकिन ये हमेशा टच में है, ये हमेशा टच में है, हमेशा, और ये हमेशा टच में है, तो उसके लिए कंडीशन देखो क्या होती है, मैं लिख देता हूं यहां पे, रिलेटिव वेलोसिटी along the perpendicular direction is zero, ठीक है बच्चों, तो आपको क्वेश्चन ये वाला करना है, ये आपके होमवर्क है, ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। कहने का मतलब क्या है बच्चों, मान लो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ये वाली चीज, देखो ये मान लो पॉइंट ए है, रुको रुको एक मिनट रुको, ये एंगल थीटा है, ये मान लो ब्लॉक ए है, और बी ब्लॉक है। अब देखो मान लो इस पे पॉइंट बी है स्मॉल, और इस पे पॉइंट, सॉरी इस पे पॉइंट ए है, एक मिनट को मैं थोड़ा साफ ही कर देता हूं उसको, इस पे पॉइंट बी है, इस पे पॉइंट बिल्कुल ये बिल्कुल टच कर रहे हैं आपस में, ए है। अब बच्चों इनकी इनकी जो वेलोसिटी है ना, इनकी जो वेलोसिटी है अलोंग दिस डायरेक्शन क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग क्या होगी, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी सॉरी एक्सेलेरेशन जो भी है, अगर अगर एक्सेलेरेशन ए है या फिर वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन इसकी ए नीचे है, ए इसकी मान लो इसकी एक्सेलेरेशन ए वन है, ठीक है। तो बच्चों ए वन का कॉम्पोनेंट अलोंग दिस नॉर्मल, ए वन का कॉम्पोनेंट एंड ए का कॉम्पोनेंट अलोंग दिस नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हम करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट देखो क्या है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स में क्या है बच्चों, चलो काम करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? No, sir. बच्चों आपका एक टॉपिक रहेगा स्प्रिंग फोर्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, मुझे थोड़ा कुछ अर्जेंट काम आ, ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। चलो ठीक है, फिर वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।
नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, वाला टॉपिक कवर करेंगे, प्लस हम करेंगे फ्रिक्शन चैप्टर, ठीक है, फ्रिक्शन. ओके थैंक यू सर. चलो बेटा बाय बाय, ठीक है, थैंक यू. और आपको एक फॉर्म मिलेगा सर, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है और यहां पर भी डाल दिया, फॉर्म फिल कर देना अटेंडेंस वाला. ठीक है सर, आप लीव कर दो. ओके थैंक यू. ग्रुप में भी डाल दो, यहाँ चैट बॉक्स में भी आप फिल कर दो अटेंडेंस फॉर्म और लीव कर सकते हो फिर. सर